जी और अगर एलिमिनेशन की बात करूँ तो ये कहा जा रहा था आयशा बाहर आएगी और रिंकू जी तो बाहर आ ही गए थे जी। तो क्या कहना चाहोगे आप? और ट्विटर पे यही चल रहा था कि यू नो आयशा को बाहर आना चाहिए। व्हाट इज योर टेक? ओके, मुझे नहीं पता बाहर क्या लिखा जा रहा था, क्या हो रहा था। मैं उतना जानता हूँ अंदर की आप बीती क्या थी। एंड आयशा को बाहर आना चाहिए था, मैं ये कोई नहीं कहना, मैं कोई नहीं हूँ ये कहने वाला कि उसे बाहर आना चाहिए था। जो एक शो का फॉर्मेट है और प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से अगर एलिमिनेशन या एविक्शन होने थे तो उसमें मेरा नाम अगर लिया गया तो आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। बिग बॉस की लाइन आखिरी लाइन पत्थर की लकीर, तो बोल दिया हो गया। लेकिन अंदर आपने जो घर के अंदर अपनी पर्सनालिटी हम सबको दिखाई है जी, ऐश्वर्या से हमारी पर्सनली कोई बात नहीं लगी जाने जी जी, तो वो है ही नहीं, तो वो अंदर दिखा रहा अपना। ओके, तो लड़ता है वो, तो कहता है बिल्कुल लड़ता हूं और मैं लड़ा भी हूं। मैं तो बिल्कुल वही दिखाइए जो मैं हूं। उनका कहने का मतलब ये था कि जितना मैं लड़ता हूँ, अगर बाहर अगर किसी से हुआ, जो मेरा एक रोड रेज का इंसिडेंट मैंने उनके साथ शेयर किया था और मैंने ऑन द शो भी शेयर किया था, इट वॉज़ इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट कि उस तरह की लड़ाई मैं करता हूँ, पर यहाँ पर मुझे करने की ज़रूरत लगी नहीं। एंड वी आर टू इंडिविजुअल पीपल ना, ऐश्वर्या और मैं, तो उनको अगर लगा कि इस सिनेरियो में मुझे लड़ना चाहिए, मुझे लगा मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन हैंडल इट इन माई ओन वे, जिस तरह से मैं करता हूँ। सो दैट्स वेयर द इंडिविजुअलिटी स्टैंड्स आउट। उनको लगा कि येस दिस इज़ द वे टू डू इट, आई सेड नो, I don't want to do it like that. Simple as that. That was a simple difference in the way we approached a certain scenario. तो लड़ा तो मैं हूँ, जितनी बार चिल्लाया हूँ किसी मुद्दे पर जहाँ मुझे लगा कि इसमें चिल्लाने जैसा बनता है, मैंने चिल्लाया। और जहाँ मुझे लगा कि मैं सटीक तरीके से बात करके भी कोई मुद्दे को हल का मुद्दे का हल निकाल सकता हूँ, तो मैंने वो भी किया है। लेकिन नहीं ये कह सकते हैं कि आपने जो यू नो आपकी डिग्निटी मेंटेन करके और बहुत काम तो आप कहना चाहती है कि बिग बॉस का घर ऐसा घर है जिसमें चिल्लम चिल्ली ही चलती है, आप वही कहना चाह रही है ना? हाँ, आई डोंट अग्री विद यू इन दैट। आई फील जो बिग बॉस ने एटलीस्ट जो शब्द कहे हैं मुझसे या हम सब से जो हम कंटेस्टेंट्स रहे, कि एक मुद्दा, स्पेसिफिकली एक मुद्दा जो आप सबको बहुत क्लियरली याद भी होगा शायद, जब अभिषेक और तहलका भाई सनी उसके साथ एक मुठभेड़ हुई थी और उसमें तहलका ने कुछ चीज़ फेंकी थी और उसके बाद एक चेस्ट पंप वाला चीज़ हुआ था, तो उस चीज़ का समाधान जब बिग बॉस को बीच में आना पड़ा तब निकला था ये कि उन्होंने कहा था यहाँ पर कुछ ना समझ लोगों के लिए समझदारी वाली बात करने जा रहा हूँ, उनको समझाने जा रहा हूँ कि एक सिविलाइज सोसाइटी में किस तरह से तो पेश आते हैं, उन्होंने ये बोला था, बर्ताव कैसे किया जाता है। और उसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ में चीखें चिल्लाएं या लड़ें। मैंने कब रोका है आपको कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ना रखें, अपने ओपिनियंस ना रखें, पर हाथ उठाना या वायलेंस इज़ नेवर एक्सेप्टेड। सो यही बात है, चीखना चिल्लाना अगर आप कह रही है तो आपका ओपिनियन है, हमारे बिग बॉस ने हमें कुछ और आदेश दिया है। जैसे भी आप, वो आप जैसी जनता ने शायद उनको रखा है, जो मेरे जैसी जनता है वो अभी भी डिग्निफाइड तरीकों को एक्सेप्ट करती है। थैंक यू। जी बिल्कुल, पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है, ये आप लोग के विक्की भैया को। यूनानिमस आंसर। हाँ, उनको श्रेय जाता है। मेरे सर पर उन्होंने जो ये ताज पहनाया था सारे सीजन नॉमिनेट होने का, बार बार कहते रहे कि मैं उनका कंपटीशन नहीं हूँ, लेकिन हर बार जब भी मौका मिला उन्होंने मुझ पर वार किया है, मेरे पीठ पर वार किया है, हर बार सॉरी बोली है। आप लोगों ने देखा होगा, आई डोंट नो कितनी बार दिखाया गया, लेकिन कम से कम 3 बार आकर माफ़ी मांगी है कि भाई सॉरी यार, आई नो यार, भाई मेरे को ना चेस्ट में हैवीनेस हो रही है भाई, मैं ना आई एम नॉट बीइंग एबल टू ब्रीद भाई, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट विथ यू, क्योंकि हम एक ही रूम में रहते हैं, मुँह चढ़ाकर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैंने बोला चल हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं आता, लेट्स मूव अहेड फ्रॉम दिस। फिर से नॉमिनेशन आते, फिर से वो नॉमिनेट कर देते थे,
और फिर बोलते थे भाई तू मेरा कंपटीशन नहीं है, ये अगर मैं कंपटीशन नहीं हूँ तो पढ़े रहने देता मुझे, निकल जाता मैं. बट दिस इज ये उनका जो दोगलापन था वो दिख गया मुझे. जी तो इस पर मैं क्या कहूँगा, आई विल से समथिंग. कन्फेशन रूम वाला जो नॉमिनेशन हुआ था बैक टू क्लासिक वाला, उस वक्त जब हम गए थे तब मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था मेरा इन फ्रंट ऑफ बिग बॉस कि विक्की को नॉमिनेट करने का रीज़न ये है कि पहले जो विक्की थे वो सुलझे हुए थे, भले उनका तरीका मैन्युपुलेटिव था पर एटलीस्ट अगर कोई लड़ाई करने आ रहा था तो ही यूज़ टू ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि वो चीज़ डिफ्यूज़ हो जाए, शांत रहे, ना आउट ऑफ लाइन चीज़ें जाए, ना डिसरिस्पेक्टफुल जोन में जाए. एंड आई अप्रिशिएटेड दैट साइड ऑफ हिज नेचर कि किसी भी चीज़ को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो नहीं करना है. पर जब से हर चीज़ का उनका मतलब कच्चा चिट्ठा खुल चुका था, उनकी मैनिपुलेशंस बाहर आ चुकी थी, हर वो चीज़ बाहर आ चुकी थी, फिर उनके पास और कोई तरीका बाकी नहीं रहा था. वो एक हफ्ता पूरा लल पीरियड गया था उनका, उनको बहुत सारी चीज़ें सुनाई गई थी, पपेटियर होना, उनको वो टैग्स जो कमेंट्स का टैग दिया था, बाद में और एक चीज़ उनके साथ एक और टास्क था जिसमें उनको खड़ा कर दिया गया था, वेस्ट बिन वाला टास्क था उसमें भी उसमें खड़ा कर दिया था. तो एक लो फेज चल रहा था उनका. उसके बाद उनको लगा कि गेटिंग बैक टू द गेम इज़ फाइटिंग. तो मैंने एक चीज़ कही थी कि या तो वो खुद लड़ेगा या तो जो सामने से लड़ने आ रहा है उसके साथ वो लड़ाई और बढ़ाएगा. सो यही है जो उसका एक मात्र गेम है जो शो में रह गया है, एंड ही हैज़ नथिंग एल्स टू ऑफर. जहाँ तक मेरी समझ रही है शो की, जो हमेशा से कहा गया रिश्तों में क्लैरिटी, तो रिश्ते बनाना, जो ऑथेंटिक रियल ऑर्गेनिक रिश्ते होते हैं वो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन एक्चुअली मेकिंग अ नंबर लिस्ट या लड़ाई करना या जो लड़ने आ रहा है उसके साथ लड़ाई बढ़ाना. उस बेसिस पर मैंने कहा था. और मैं ये दावे के साथ क्यों कह पा रहा हूँ कि उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए शो को अब, क्योंकि उसने कोई और नया रिश्ता नहीं बनाया था. लेकिन मैंने इवन इन द 10th वीक और 9th वीक मुनव्वर के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं सफल रही. अनफॉर्चुनेटली शो का फॉर्मेट जो था डबल एविक्शन, उसमें मैं निकल गया, नहीं तो आज भी अगर मैं वहाँ होता तो वो रिश्ता शायद आगे बढ़ता. ये दो अलग चीज़ें, मैं उस पर बाद में आता हूँ. लेट मी जस्ट आंसर दिस फर्स्ट कि जब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे रिश्ते पर कोई टिप्पणी करे तो मैं किसी और के रिश्ते पर टिप्पणी नहीं करना चाहता. अगर उनके बीच में तनाव है तो आई वुड लाइक इट टू बी रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल एंड इन अ नाइस वे. और आपने जो सवाल पूछा था ये था कि रिश्ते में क्लैरिटी ना, तो उस एक रिश्ते को अगर मैं छोड़ दूँ तो उनके किसी भी रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पहले नंबर देखा, नंबर गेम की जो लिस्ट है उनकी वो लिस्ट देखी और उसके बेसिस पर रिश्ता बनाया है. तो बेसिस उसकी नींव ही नहीं है, वो फाउंडेशन ही नहीं है रिश्ते का. जब आप किसी से रिश्ता बनाते हैं, अगर मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, आपके साथ रोज़ बात करूँ, मीनिंगफुल बात करूँ, दिल से बात करूँ, आप कहीं ना कहीं आप मेरी बातों से जुड़ेंगे, आप मेरे इमोशन से जुड़ेंगे, तब जाके वो रिश्ता कहीं पाँचवें छठे दिन सातवें दिन वो कहीं पहुँचेगा, एटलीस्ट बिग बॉस के घर में. क्योंकि कहीं वो डिस्ट्रैक्शन कोई होता ही नहीं है, फ़ोन नहीं होता, टीवी नहीं होता, बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो तो और कुछ नहीं है, बस बात कर सकते हो आप एक दूसरे के साथ, आप एक रिश्ता बना सकते हो, दोस्ती का, हमदर्दी का, समझने वाला रिश्ता, सपोर्ट वाला रिश्ता, आप वैसा एक ऑनेस्ट रिश्ता बना सकते हो. लेकिन भाई साहब वो नहीं कर रहे थे. भाई साहब ने नंबर देखा, अच्छा चलो कितने नंबर है, कितने लोग, 17 लोग हैं, मुझे एटलीस्ट 11 लोग अपनी तरफ चाहिए, 6-7 लोग मैं रखता हूँ नॉमिनेशन करने के लिए हर हफ्ते, आई कीप दैट सो दैट मैं नॉमिनेशन लिस्ट में ना आऊँ, दूसरे आते रहे, और जो मेरे 11 है उसमें से जब ये छटते जाएंगे तो 11 में से एक एक करके कम करता जाऊंगा मैं. सो दैट वाज हिज प्लान. सो दैट्स व्हाई देयर वाज नो क्लैरिटी. और इसीलिए वो लिस्ट चेंज होती रही, लोगों को असलियत समझ में आती रही. उनको जब कॉल आउट किया मैंने, बिग बॉस ने,
और अलग अलग टास्क में उनकी असलियत सामने आई, तब जाके लोग एक एक करके उस लिस्ट में से हटते रहे, क्योंकि कोई भी पेट प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहता किसी का। जी विक्की के साथ जो बॉन्ड था पहले अच्छा बॉन्ड था, पर अब निकलते निकलते इतना गंदा बॉन्ड हो गया कि उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं बाहर निकल के इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहूंगा। किसने बोला ये? मुनव्वर। ओके, क्या कहना चाहूंगा मुनव्वर को स्पेशली? मैं जो मेरे नजर से मैं देखता हूँ, नजरिए से देखता हूँ, आई टेल यू व्हाट आई सॉ। जैसे ही आयशा आई थी घर में, तो ऑब्वियसली काफ़ी लोगों के दिमाग में, आप लोग के दिमाग में भी सवाल थे, हम सबके दिमाग में सवाल थे मन में। बट अनलाइक अदर्स एंड स्पेशली विकी, मैंने मुनव्वर और आयशा दोनों से यही चीज़ कही थी। मैं और ऐश्वर्या दोनों बैठे थे, हमने ये कहा कि आप लोग को अगर लगता है कि नील और ऐश्वर्या इस लायक है कि आपकी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड सवाल अगर हम पूछ सकते हैं, डू लेट अस नो, वी वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। अगर वो कंफर्ट लेवल हम शेयर नहीं करते, यू डोंट नीड टू आंसर एनीथिंग, हम जो पूछे जिस दिन आपको लगे आप बता देना, वील टॉक अबाउट इट। ये होता है किसी की पर्सनल स्पेस का रिस्पेक्ट रखना। पर विक्की भैया बीइंग हिज वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, वो हर कोने में जाकर, जैसे रिंकू जी को पकड़कर या मनारा को पकड़कर या ईशा से बात करके या समर्थ से बात करते हुए रात के टाइम पे चलते हुए, हर एक जन से जाकर, या फॉर दैट मैटर मेरे और ऐश्वर्या के साथ वो बात करने को तैयार था, ताकि हर एक कोने में, हर एक कैमरा में ये कैप्चर हो कि मुनव्वर किस तरह का आदमी है। क्या वो मुनव्वर वही है जिसे हम जानते थे आयशा से, आयशा के आने से पहले, या ये मुनव्वर जो अभी है, अभी जो दिख रहा है, क्या ये सच है, क्या ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, ये रियल आदमी है कि नहीं है, क्या ये आदमी एक वुमनाइजर है? ये शब्द उनके रह चुके हैं, आप लोगों ने शायद सुने होंगे, है ना। अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें ट्रेंड होती हैं जहाँ एक इंसान अपने दोस्त को टार्निश कर रहा है उसकी इमेज। मैं, आपने जैसे कहा, मेरा उसके साथ ऐसा बॉन्ड था नहीं, और इसी वजह से जब मैंने उसको बताया, आई जस्ट टोल्ड हिम, मुनव्वर जिसको तू अपना दोस्त मानता है ना, प्लीज़ संभल जा, मैं इधर की उधर नहीं करना चाहता हूँ। तुझे अगर कहीं और से पता चलता है क्या तेरे बारे में बोला जा रहा है, तेरी इमेज को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज ये शो नेशनल प्लेटफॉर्म पे है, तू ज़रा संभल के रहना, मैंने उसको इतना बोला। फिर जब फाइनली रात के टाइम पे जब विक्की और मुनव्वर साथ में बैठे थे, और मैं क्योंकि सामने सामने था और मेरे पास कुछ छुपाने के लिए था नहीं, तो मैंने विक्की ने उसके साथ इसी चीज़ के बारे में बात की, और विक्की उसके मुंह पे हमेशा बोलता था कि भाई आई अंडरस्टैंड यू, राइट यार, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, यू विल बी फाइन, उसको सांत्वना देता रहता था। तो ये जब चीज़ मेरे सामने हो रही थी, तो मैंने उसको बोला, पर मुनव्वर कुछ चीज़ें हैं जो विक्की तेरे बारे में बोलता था, इफ़ यू गिव मी द परमिशन आई विल आस्क यू। रात को तूने मेरे साथ जो कॉन्वर्जेशन की थी, कैन आई स्पीक अबाउट इट? हाँ तू बोल। विक्की के ये शब्द थे, फिर मैंने एक एक करके सारी चीज़ें बोली, क्या तूने ये नहीं कहा कि मुनव्वर क्या वही आदमी है जो हम, जिससे हम दोस्ती कर चुके हैं, या ये सेम मुनव्वर अभी जो आयशा के आने के बाद है वो सेम है कि नहीं? आर दे टू डिफरेंट पीपल? कैन वी ट्रस्ट हिम? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज ही अ वुमनाइजर? व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही? वैसे तो 3 साल से ही उसकी उपलब्धि हासिल हुई उसे, जो अभी जिस स्तर पर है मुनव्वर, उससे पहले वो कुछ नहीं था। तो हो सकता है उसके यूथफुल ईयर्स में उसने क्या कुछ नहीं किया होगा, क्या हम इस सबको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? क्या ये तेरे शब्द नहीं है? मैंने विक्की को पूछा था, तब मुनव्वर बोलता है, विक्की भाई आप मेरे मुंह पे कुछ बोलते हो, मेरे पीठ पीछे आप सबसे ये बात कर रहे हो? मुझे मुंशी बोला गया, मुंशी का मतलब क्या है? मैं तेरी अच्छा ही कर रहा हूँ, तेरे बारे में कुछ तो अच्छा बोल रहा हूँ। क्या अच्छी बात है कि ये तूने, अगर तू इसको डिनाई करता है तो मैं अभी सबको खड़ा करता हूँ, एक एक को जाके पूछूंगा मैं। जब उनके दोनों के बीच की निजी जिंदगी का मामला है तो वो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है नहीं। मैंने सेम चीज़ विक्की को बोली थी जब वो यही बातें मेरे पास करने के लिए आया था, 1.5 घंटे का कॉन्वर्जेशन खींच के चला गया वो। मैं उसको यही समझा रहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर उनके आपस में बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो वो भी उनके बीच की बात है। हाउ डज इट अफेक्ट अस सिटिंग ओवर हियर? इट डजंट मैटर।
शी इज हियर विद अ ऑब्जेक्टिव, उसको एक चीज डिस्कस करनी है जो उनकी निजी जिंदगी की बात है. व्हाई आर यू वरिड अबाउट इट? तो सेम चीज जो ईशा के साथ पहले हुई थी, आप उसी से आप तुलना कर रही है, राइट? राइट. तो ईशा के साथ जब हुई थी तब आप इतने सेंसिटिव थे, तो आप अब क्यों सेंसिटिव नहीं हो? जो अभी आपका दोस्त है उसको आप छोटी छोटी बोलते हो, बोलते हो हमारी अडॉप्टेड बेटी है ये, तो फिर यहाँ पर आप अपनी दोस्ती क्यों मेंटेन नहीं कर रहे हो? ये है फर्क. Okay, आपने ये सुना मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है? हाँ. ये सुना आपने? आप पता नहीं कौन सा सीजन देख रही थी, बिकॉज उसमें मुनव्वर ने कभी नहीं कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है. उसने जो पहले चीज़ बोली थी उसके आयशा के बाद आने के बाद जो रियलिटी सामने आई है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका ब्रेकअप हो चुका है. दैट्स व्हाट ही इज़ बोला. नहीं, जिक्र किया है पहले, दैट्स द पॉइंट. आयशा के आने के बाद उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका था. सो दैट मीन्स वो गर्लफ्रेंड नहीं थी. दूसरी बात, आपने जो कही मनारा की फीलिंग्स की बात, ये मैंने मनारा को डायरेक्टली बोल चुका हूँ मैं उनके मुँह पे, कि आई थिंक यू हैव नॉट रियलाइज दैट यू आर हैविंग फीलिंग्स फॉर मुन्ना. क्योंकि एक तरफ आप हमेशा बोलते हो कि मेरा दिन नहीं कटता जब तक मैं यूके राइडर से बात ना करूँ या मुनव्वर से बात ना करूँ. दोनों तरफ आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और एक तरफ राइडर से आपकी दोस्ती बहुत क्लियर कट है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन यहाँ पर आके क्यों थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दोस्ती से ज़्यादा है? प्रॉब्ली यू नॉट रियलाइज दैट यू आर हैविंग फीलिंग्स. तो उसने उन्हें क्लियरली डिनाई कर दिया. पर यही सेम चीज़ जब सलमान सर ने वीकेंड के बार पर पूछी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि यस आई लाइक हिम. सलमान सर ने डायरेक्टली बोला कि इफ यू लाइक हिम यू लाइक हिम. लेकिन जैसे कि आप भी एक रिलेशनशिप शादीशुदा है, तो एक हमने देखा कि आपने एक गैप एक मेंटेन रखा है, लेकिन मुनव्वर में हमने ये नहीं देखा कि मनारा को भी वो पैम्पर कर रहे हैं. और इससे पहले वाले सीजन में भी मुनव्वर ने एक महिला के साथ अंजलि के साथ भी ऐसा ही किया था. I have seen this pattern of Munawar aur Nazila ke sath bhi unhone aise hi. Then you probably know Munawar more than me, because maine wo cheez nahi dekhi hai. I genuinely don't know. Usne pehle ko jo show kiya tha wo kya kiya tha mujhe genuinely nahi pata. Maine jo kiya wo main hu. Munawar kya kar raha hai, uska kya hai reason kuch karne ka, wo jaane. As of now mujhe jo dikh raha hai maine aapke samne abhi jawab de diya. पोकिंग मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी पोक नहीं किया, और हमारे साथ पोकिंग बहुत हो चुकी है. एंड आई हैव नेवर सपोर्टेड दैट. एंड विकी कर चुका है बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में. मेरे रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को मतलब ना करने के लिए मैं बोल चुका हूँ, और उसने कहीं हद तक माना, पर बाद में पीठ पीछे बातें करना शुरू कर दी उसने. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. नाउ कमिंग टू ईशा एंड समर्थ, दे हैव रियलाइज्ड कि अब अगर मुद्दे क्रिएट करने हैं घर में, तो या तो मुझसे लड़ेंगे या तो वो अभिषेक से लड़ेंगे. अब ऐश्वर्या रही नहीं है घर में, तो ऐश्वर्या एक थी जो उसको हमेशा पूछती थी दोस्त के नाते कि तू क्यों ऐसा कर रही है ईशा, वाई दिस, वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, हर टास्क में मुझे क्यों खड़ा करना, हर नॉमिनेशन में मुझे क्यों खड़ा करना, व्हाट आर यू डूइंग. तो हर जगह पे उसकी जो फेकनेस थी वो उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रही थी, तो अब वो उसको इसलिए उसको घर से निकाल दिया. एंड नाउ कमिंग टू अभिषेक, हम सब जानते हैं कि अभिषेक बहुत इमोशनल है, एंड हर बार वो इतनी बार बोल चुका है कि मैं हर चीज़ ओवर कर देता हूँ, मैं अगर प्यार करता हूँ तब भी ओवर करता हूँ, मैं रोता हूँ तब भी ओवर करता हूँ, इफ़ आई फील बैड मैं जेन्यूनली आई फील बैड, मुझे एंग्जाइटी इश्यूज़ है, मुझे एंगर इश्यूज़ है, वो सब ओवर हैं. अभी जानती है ईशा, क्योंकि वो एक पहले एक ज़िंदगी में उससे जुड़ चुकी है, उसका बिहेवियर पैटर्न जान चुकी है. तो हर बार जब भी वो सामने आता है उसको ऐसी चीज़ें याद दिलाती है उसके निजी ज़िंदगी के, जो आई थिंक बहुत हर्टफुल होते हैं. एंड तब जाके वो पोक होता है, एंड तब जाके वो रिएक्शन मिलता है, और हर बार बाद में उससे डांट पड़ती है. ओके, थैंक यू गाइस. थैंक यू.